हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि CBSE टर्म फर्स्ट क्लास 10th में आप अच्छे मार्क्स किस तरीके से ला सकते हैं। अगर आप इस टॉपिक को जानना चाहते हैं तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और जिससे आपको इसमें नॉलेज मिल सके। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, सभी छात्रों में हमेशा बोर्ड के एग्ज़ाम को लेकर चिंता बनी रहती है, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम कोई ऐसी परीक्षा भी नहीं होती है कि आप इसमें अच्छा स्कोर ना पा पाएँ। थोड़ी सी प्लानिंग और टिप्स को अपना कर आप बोर्ड परीक्षाओं में टॉप कर सकते हैं या फिर अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। आज के लेख में हम बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने या टॉप करने के लिए तरीके के बारे में जानेंगे, जो अभी मैं आपको विस्तार से उस चीज़ के बारे में बताऊंगा। उन सारे छात्रों के लिए बोर्ड की परीक्षा पहला अनुभव होता है जो क्लास में 10th में होते हैं, तो जाहिर है कि उनको सबसे ज़्यादा डर लगता होगा और जिसके कारण वो परीक्षा में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते होंगे, क्योंकि उस चीज़ का डर हम लोगों के अंदर बैठ जाता है कि CBSE बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर हैं। जितना हो जाए उतना आपको कर सकते हैं। तो आइए हम इस देखते हैं कि बातों में चर्चा करेंगे CBSE जो बोर्ड के परीक्षा में क्या टिप्स हम ध्यान रखें जिससे हम लोगों को उस गलती का सामना नहीं करना पड़े और हम टॉप कर सकें। तो फर्स्ट पॉइंट है जो है प्लान के साथ सभी विषयों को पर्याप्त कर सेट। मतलब कहने का मतलब ये है, आप एक प्लान टॉपिक बताइए या अपना एक टिप्स अपना एक टाइम टेबल बनाइए जिससे आप हर सब्जेक्ट के टाइम वाइज आप उस चीज़ को पढ़िएगा। सेकंड जो चीज़ है हमारी वो है तैयारी पर ध्यान रख दें। अगर एग्ज़ाम आने वाले होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि उसकी लास्ट नाइट से पढ़ना चालू करते हैं। भाई आपकी फ़र्स्ट एक एक रात में आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, तो आपको हर टाइम टेबल को अकॉर्डिंग वीक में रखना है कि एक दिन मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है और एक दिन हमें ये पढ़ना है। और थर्ड जो पॉइंट है वो है सकारात्मक सोच रखें। कई लोग क्या होते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम वाले हैं, कहीं ये सोच रखते हैं, कहीं गंदी सोच रखते हैं, तो उसी पर आपका विचार जो माइंड है आपका डिस्टर्ब होगा जिससे आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो आपको सकारात्मक सोच रखनी है जिससे आपको दिमाग में कोई जो उलझन और जो परेशानी है वो कुछ दिमाग में आए ना और जो गंदे विचार ना आए। फोर्थ है टाइम लिमिट के साथ करें पुराने प्रश्न पत्र हल। मतलब जो आपके जैसे आपका 2021 में बोर्ड है, तो मान के चलिए जो आपके 2020 और 2029 2019 2018 के जो सैम्पल पेपर होते हैं CBSE के, उनको आप सॉल्व करिएगा जिससे आपको उसमें बेनिफिट मिल सके। और जो फिफ्थ है वो है जागरूक अध्ययन। मतलब कि आप लोगों को क्या करना है कि आपको ज़्यादातर उसमें ये प्रयास करना है कि जो सैम्पल पेपर उसमें क्वेश्चन देखना है, क्योंकि जो लास्ट 10 ईयर के जो एग्ज़ाम होते हैं उसी से ज़्यादातर बोर्ड में क्वेश्चन रखा जाता है। सिक्स है सब्जेक्ट को समझें ना कि रटें रट्टा मारें। मतलब आप लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर रट्टा मारते हैं, यानी कि कोई चीज़ पढ़ ली तो उस चीज़ को हम भूल जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को उस चीज़ को समझना है, क्योंकि जब तक हम समझेंगे नहीं तो हमें समझ में नहीं आएगा ये चीज़ लिखा क्या है, क्योंकि समझी हुई चीज़ हमारे लिए जीवन भर याद रखेगी और रटी हुई चीज़ हम 2 मिनट में भूल जाएंगे, 2 मिनट में नहीं भूलेंगे तो एक दिन में भूल जाएंगे। और सेवन्थ जंप ना करें, यानी कोई अगर सब्जेक्ट पढ़ सकते हो उसमें 3 चैप्टर हैं आपके सिलेबस में, तो फर्स्ट से थर्ड पे ना जाएं। आपको सिर्फ फर्स्ट वाइज सेकंड फिर थर्ड आपको अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग चलना है। और एट्थ है वो पॉइंट है वो है टाइम टेबल बनाइए, क्योंकि हम लोग टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कुछ नहीं कर सकते हैं। आपने काफ़ी लोगों को देखा होगा जो टॉपर हैं वो अपना टाइम टेबल बना के चलते हैं, शेड्यूल बना के चलते हैं, क्योंकि तभी तो वो टॉप करते हैं। आप बिना कोई कार्य करे अगर बिना कोई टाइम टेबल से आधार पर नहीं करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे उस चीज़ में। तो आपको क्या करना है, टाइम टेबल बनाना है। नाइन्थ तो जो नंबर है वो है हमारा नोट्स बनाएं, क्योंकि जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं किस चीज़ पे कोचिंग पढ़ना है स्कूल पढ़ना है उस चीज़ का आप नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स आप खुद बनाएंगे और खुद उस चीज़ को प्रयास करेंगे जिससे आपको उसमें बाद में आपको पढ़ने में या लिखने में तकलीफ नहीं होगी। और 10th नंबर है अच्छा भोजन खाएं। अच्छा भोजन खाने का मतलब मेरा है आपका स्वास्थ्य खाना, हरी सब्जी खाएं, ज़्यादा आपसे उसका माइंड आपका फ्रेश रहेगा और आपको पढ़ने में मन लगेगा। 11th चीज़ है लिखने पर प्रैक्टिस करें। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि एग्ज़ाम टाइम में कम जा धीरे लिखते हैं तो उनका टाइम निकल जाता है, तो आपको क्या करना है एग्ज़ाम से पहले आपको डेली 1 पेज हैंडराइटिंग लिखनी है जिससे आपको एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। और 12th जो पॉइंट है उसमें है गैजेट से दूर रहें। हम लोग क्या करते हैं एग्ज़ाम आने वाले होते हैं तो फ़ोन पे हर चीज़ पे ध्यान देते हैं, लैपटॉप फ़ोन और काफ़ी चीज़ें जो गैजेट्स वगैरह होते हैं, हम लोगों को उनको ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम हमारे हो जाएंगे हम टॉप कर जाएंगे तो खूब आप ऐस करिए, कुछ भी करिए, आपको खेलना है कूदना है प्लेइंग करना कुछ भी करिए, लेकिन एग्ज़ाम से पहले उस चीज़ को मत करिएगा। और जो 13th नंबर है वो जल्दी उठने की आदत डालें, क्योंकि जल्दी उठेंगी क्योंकि सुबह का ये
जो ओल्ड मैन है उन्होंने ये भी बात कही है कि जो बच्चा सुबह उठता है वो आगे ना आगे कुछ करता ही जाएगा, क्योंकि सुबह का जो माइंड है वो हमारा फ्रेश रहता है और जो हम पढ़ते हैं उसमें हमारे दिमाग में वो चीज़ फिट हो जाती है, मेमोरी फिट हो जाती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से शेयर करें, और वीडियो को अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।